हम उनको लेके गए, चाइना गया है उसके डेवलपमेंट के लिए। बड़ा ज़रूरी था कि आप उनके साथ बैठ के कंसेंसस डेवलप करते। अच्छा, आप समझते हैं नहीं जनाब, को हमारी टर्म्स में बात नहीं करना चाहते थे बलोच सेपरेटिस्ट, फेयर एनफ। तो फिर आपके पास इतना तो हो ना सिक्योरिटी प्रूफ, एक एक उसका फुल प्रूफ होना चाहिए कि आप फिर उनको सेव कर सकें जो लोग बाहर से आप लेके आ रहे हैं। हालत आपकी ये, अभी खबर में पढ़ रहा था SOPs जो आ रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने जो आपने जो चाइनीज को रखने के लिए वो आपने सिक्योरिटी देनी थी वो भी नहीं दे रहे। बल्कि आज मैं देख रहा था ट्विटर सोशल मीडिया पर चाइना में पता क्या डिमांड आ रही है, उन्होंने हर दफा हमारे वहां पे मारे जाते हैं, सिविलियंस मारे जाते हैं या हमारे वहां पे टेक्निकल मारे जाते हैं, तो पाकिस्तान से इजाजत लेके आपको वहां पे बम्बारमेंट करनी थी। अब वहां पे दबाव बढ़ा है उन पे चाइनीज, अब वहां पर कराची यूनिवर्सिटी में इंटेलिजेंस के बच्चे इंटेलिजेंस के। तो दोस्तों, आपने वीडियो के स्टार्ट में एक क्लिप देखा, ये चाइनीज नागरिक हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। ये कराची एयरपोर्ट का क्लिप है जो कि वायरल हो रहा है। ये किट पहनकर पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं और जितना जल्दी ये चाइना पहुंच सके सुरक्षित, यही ये लोग चाहते हैं। तो पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में रॉब क्लासरा ने काफ़ी डिटेल में बताया किस तरीके से, मतलब चाइना को नाकाम रहा है सुरक्षा देने में जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस। और चाचा ने भी बहुत इंटरेस्टिंग बात की है कि मतलब पाकिस्तान की फौज पूरी तरह से नाकाम रही है। पहले वीडियो देखते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। उनके साथ आज उन्होंने बड़ी अच्छी बातें जैसे उन्होंने बताया, मुशाहिद ने भी लिखी हैं, इनके साथ जो दो चार बड़े इश्यूज हुए हैं जिनको नहीं समझने की हमने कोशिश, और करेंगे भी नहीं खैर से, हमने बंगाल में भी ऐसे डील किया था बंगालियों को, और सेम ट्रीटमेंट हम वहीं पर रखे जा रहे हैं कि जो स्टेक होल्डर हैं, जो सन ऑफ द साहल्स हैं, उनको हमने गद्दार बनाया हुआ है, और हम जहाँ पर जो बैठे हुए हम ज़्यादा महजब हैं, ज़्यादा हम इनके हैं। आपको जो फॉल आउट हुआ है सबसे बड़ा, मुझे याद है नासिर खोसा साहब चीफ सेक्रेटरी थे वहाँ पर बलोचिस्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में, तो यहाँ मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स मैंने देखे थे। उन्होंने कहा ना, ये बलोचिस्तान का मसला है आपकी फॉरन और आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी की वजह से, ये इंटरनल नहीं है, ये आपके एक्सटर्नल इश्यूज हैं जो इन्होंने भी अभी जिक्र किया। ईरान के साथ आपके कैसे तलुकात हैं, अफगानिस्तान के साथ आपके कैसे तलुकात हैं, इंडिया के साथ कैसे तलुकात हैं, वो आपको रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर आपको हर्ट करने की वो कोशिश करते हैं। आपने सारे वहाँ से ये भाई हमारे फिर नाराज़ हो जाएंगे यहाँ पे, अगर ये अचक जय साहब इन कंपनी सारा बलो, आपने वहाँ से अफगानिस्तान से तालिबान या वहाँ के अफगान ला के सारे आपने वहाँ बसा दिए, अपनी कंस्टिट्यूंसी बना दिए। अच्छा, फिर हम यहाँ से हम भी पहुँच गए सपोजली। अच्छा, बहुत सारे लोग गए थे बलोचिस्तान को डेवलप करने गए थे, उनको वहाँ पढ़ाने गए थे, एजुकेट करने गए थे, हमारी साइड पे सरेकी इलाकों में से बहुत सारे लोग गए थे, आपके पंजाब में से गए, उर्दू स्पीकिंग हमारे भाई गए थे, उनके यहाँ जो आबादी का दबाव बढ़ा है, दे फेल्ट कि हम मार्जिनलाइज हो रहे हैं, यहाँ पे बाहर से लोग आ रहे हैं, कुवैत उर्दू से अफगानिस्तान से लोग आ गए, उन्होंने पूरा क्वेटा पे कब्जा कर लिया है, वो सारी जायदादें वगैरह उन्होंने खरीद ली हैं, और बाकी जो उन्होंने आके एज ए रिएक्शन के तौर पर उन्होंने उनको सराइकियों को पंजाबियों को उर्दू स्पीकिंग उनको मारना शुरू कर दिया। तब बेचारे हालांकि वो लेबरर थे जो गए हुए थे, उस्ताद थे, पढ़ाने गए थे आपको आपको करने के लिए। सो उनके अंदर ऊपर से एक एक हम उनको लेके गए चाइना गया है उसके डेवलपमेंट के लिए। बड़ा ज़रूरी था कि आप उनके साथ बैठ के कंसेंसस डेवलप करते। अच्छा, आप समझते हैं नहीं जनाब, को हमारी टर्म्स में बात नहीं करना चाहते थे बलोच सेपरेटिस्ट, फेयर एनफ। तो फिर आपके पास इतना तो हो ना सिक्योरिटी प्रूफ, एक एक उसका फुल प्रूफ होना चाहिए कि आप फिर उनको सेव कर सकें जो लोग बाहर से आप लेके आ रहे हैं। हालत आपकी ये, अभी खबर में पढ़ रहा था SOPs जो आ रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने जो आपने जो चाइनीज को रखने के लिए वो आपने सिक्योरिटी देनी थी वो भी नहीं दे रहे। बल्कि आज मैं देख रहा था ट्विटर सोशल मीडिया पर चाइना में पता क्या डिमांड आ रही है, उन्होंने हर दफा हमारे वहाँ पे मारे जाते हैं, सिविलियंस मारे जाते हैं या हमारे वहाँ पे टेक्निकल मारे जाते हैं, तो पाकिस्तान से इजाजत लेके आपको वहाँ पे बम्बारमेंट करनी थी। अब वहाँ पे दबाव बढ़ा है उन पे, चाइनीज पे दबाव बढ़ा है। ये मैं उस पर ट्विटर पे देख रहा हूँ, उनके ट्विटर अकाउंट देख रहा था, चाइनीज बड़े इंपॉर्टेंट थे वहाँ पे, उन्होंने कहा पाकिस्तान अगर खुद नहीं हैंडल कर सकता हमें इजाजत दें, हम जाएंगे उनको हैंडल करेंगे। सो अगर ये खतून जो है इतनी इंडॉक्ट्रिनेशन हुई है, मैं देख हुई कह रहा था कि उस्तानी स्कूल में पढ़ाती हैं, दो बच्चों की माँ थी वो, अगर कराची की और उसमें कराची में रहती रही हैं और हॉस्टल में रिहाइश है उनकी, और उन्होंने एजुकेशन में मास्टर्स किया हुआ है, MPhil की शायद स्टूडेंट थी, उम्र 30 साल है, और 2014 में इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से MEd किया, 2015 में उनकी शादी हुई है, उसके बाद महकमा बलोचिस्तान में वो हैं। ये उसमें डिप्राइव्ड वे से नहीं है, एक होते हैं ना जिनको नौकरी नहीं मिली, जिनको पढ़ाई नहीं मिली, पसमानदा है बेचारे, उनके हकूक नहीं मिले, उनको ज्यादतियाँ नहीं हुई, वो एक बिगर नेशनल काज में गए। जैसे आपको याद है फलस्तीन का आया था, मैं लैला थी जो उनका नाम आया था बहुत बड़ी, वो बनी सिंबल बनी उसका रेजिस्टेंस का, जिन्होंने जहाज अगवा किया था इसराइली, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो सिंबल बन गई थी 80s में, मेरा ख्याल है लैला खालिद जी, बिल्कुल लैला खालिद। तो ऐसे आप अपने यहाँ ये जो लोग हैं जिनको पर्सनल वो ग्रीवेंसेज नहीं है, बट दे फील कि हमारे बलोचिस्तान पे हम बलोचों के साथ ज्यादती हो रही है, पर्सन मिसिंग हो रहे हैं, अभी हम देख रहे थे बलोच वो उठा रहे हैं, स्टूडेंट उठा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। सो ये रियासत जो है इसमें हम बात इनकी इंटेलिजेंस का, ISI का, सबका फेल्योर है। और आप देख लीजिए कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इलाका है पूरा, जो वेस्ट जो बलोचिस्तान का जो वेस्ट का एरिया है जी, अवरान है, जो केच है,
पंजगूर है, तुर्बत है, और जो भी करीब तरी इलाका जात हैं गवर्दर के, वो सारा एक एरिया है। आप वहाँ पर क्यों इंटेलिजेंस नहीं कर सकते, वहाँ आपका सेटेलाइट वहाँ काम क्यों नहीं कर सकता? फिर ये जो खातून है, इस खातून का शुरू दिन से रिकॉर्ड मौजूद है इनके पास कि ये खातून जो है, इसके 6 बहन भाई हैं और ये आला तालीम याफ्ता है, ख़ुद भी MSc रही है, उस टीचर रही थी 16 ग्रेड की, सरकारी गाड़ी में आने जाने वाली थी। फिर जब ये इसका मियाँ खुद इन्वॉल्व है, वो यहाँ पर आकर मैंने यहाँ पर होटल में ठहर गया आकर, जो कि एक बंगला भी है, एक फ्लैट भी है, जो उनके बाप का, वो भी सरकारी अफसर है। तो ये कैसे नहीं हो आपसे? देखिए, केश का इलाका है या जो भी इलाके, ये सारे के सारे आपको मालूम है कि यहाँ पर जो है दहशतगर्द पनप रहे हैं। असल में तो यहाँ पर पनप रहे हैं, क्योंकि ये एरिया जब आप गए हैं खुद भी, जब वहाँ पहुँचे थे तुरबल में पहुँचे, तो आपको भी वहाँ पर रोका था जी, तो हम सारी रात आपके लिए जागते रहते कि भाई कहाँ पहुँचे हो, अल्लाह का शुक्र। तो ये बात जब सबको मालूम है, तो आपको क्यों नहीं मालूम है, मुझे बताइए इंटेलिजेंस, क्योंकि और कितने आदमी यहाँ काम कर रहे हैं? कराची यूनिवर्सिटी में आपको ज़्यादातर पश्तून मिलेंगे, बलोच मिलेंगे और उर्दू स्पीकिंग लड़कियाँ मिलेंगी, और लड़के हैं ही नहीं नाम पर उर्दू स्पीकिंग, और ये कराची का राइशिप नहीं मिलता वहाँ पर। तो यह कराची यूनिवर्सिटी के ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए थी कि इतना बड़ा भाग कैसे हो गया, आपको बताइए ना, ये बात इतनी बड़ी हो गई। आप और फिर जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये अभी भी बहुत लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर सारे जितने भी राना ये जो इनका वो है, जो बहुत बड़ा जो इनका वो है, सारे के सारे मेरे पास, गुलाम हुसैन मेरे पास आता था, जो इनका बलोच अफसर उनका था, मर गया। फिर ये जो डॉक्टर जो ये है, जो बहुत बड़ा डॉक्टर इनका है, वो भी आता था, जो मेरी किताब में सारे लिखा है, बलोचिस्तान में शोरिश में इनका जिक्र किया है, एक चैप्टर उनके नाम पर रखा हुआ है। पहले यहाँ कराची के अंदर प्रेस क्लब के सामने बैठ कर ये हड़तालें करते थे, और अब इन्होंने बाहर से पैसा इनको मिल रहा है बाहर से, मैंने जो, तो अब वो आप क्यों कंट्रोल नहीं कर सकते हो? जब एक आदमी आया था वो जो लेफ्टिनेंट जनरल जो था, जो बाद में सिक्योरिटी एडवाइजर बना नवाज शरीफ का, तो उसने तो वहाँ पर हालात बहुत कंट्रोल कर लिए थे, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? चीफ साहब से ये सवाल है भाई, चीफ साहब आप पर कर क्या रहे हैं? यानी आपकी वजह से जो फौज की वीकनेस हुई है, जो उनका ग्राफ गिरा है पॉपुलरिटी का, वो तो गलत हो रहा है ना जी, तो आप इसको ठीक करें, आप इसको, क्योंकि पैदर पे वाकयात हो रहे हैं। देखिए, दहशतगर्दी का वाकयात मुसलसल है बॉर्डर पे, नहीं मालूम है कि आप भाई उसकी लेवल बहुत बढ़ गया है, उसकी सोफिस्टिकेशन बहुत बढ़ गई है जी। लेकिन आप भी तो बननी चाहिए ना भाई, आप जब एक चीज को कमांड कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप ये लोगों के लिए, आप खुद ही कह रहे हैं कि साहब मैंने जो है तालुकात अच्छे कराए, वहाँ पैसे ला के मैं लेके आया, भाई इसके बजाय आपको अपनी इंटेलिजेंस को बेहतर करना चाहिए भाई। आपके इतने आदमी जब शहीद होते हैं, तो एक चीफ के लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है कि इतना बड़ा हो गया, और सवालिय निशान है आपके पर, कि आपके कमांडरी पर सवालिय निशान है कि क्या हो रहा है आपके बादशाहत के अंदर, आपके कमांडरी में, कि रोज हमारे आदमी शहीद हो जाते हैं। और ये बड़ा वाकया है, ये बॉर्डर पे अलार्मिंग पे ये जो हुआ कुछ हुआ है, खातून को आना, वो बलोच खातून का आना जी, तो जब उसके आपको बलोचिस्तान पहले यूनिवर्सिटीज में आप इंटेलिजेंस के लड़के पढ़ाए जाते थे, वो नज़र रखते थे, अब कहाँ गए वो आदमी? आपके पास ये क्यों नहीं ऐसा है कि आप वहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी में इंटेलिजेंस के बच्चे, इंटेलिजेंस के लोग हो और पढ़ भी रहे हो, क्यों ऐसा नहीं है? तो आपको पता चल जाता है कि लड़की के जहन क्या है भाई। वहाँ पर ग्रुप बने हुए हैं, बलोचियों का ग्रुप है, पश्तूनों का अलग ग्रुप है, अभी तो ये हुआ, अभी पश्तूनों का अलग से आएगा, तुम देख लेना। आपको याद होगा कि जब ये वाकया हुआ था, आपका जो इसका जो इंडिया ने हमला किया 26 को जी, तो मैंने ये कहा था आपने, जब उस वक्त मैं इस्लामाबाद में था, मैंने कहा था दूसरा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है एंड। आपने देखा पाकिस्तान के रॉब क्लासरा ने जो बातें कही हैं, वो बहुत ही सीरियस बात है कि पाकिस्तान की, मतलब पाकिस्तान से परमिशन ली जाए बलूचिस्तान के जो ठिकाने हैं, जो अड्डे हैं, वहाँ पर चाइनीज़ फोर्सेस या एयर फोर्सेस आकर बमबारी करें, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। अगर ये मतलब बात सच हो गई और पाकिस्तान ने कहीं अलाउ कर दिया, तो ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी इंसल्ट होगी, पाकिस्तान की फ़ौज के लिए कितनी बड़ी इंसल्ट होगी। पाकिस्तान के लोग जो नंबर वन क्लेम करते हैं अपने आप को, नंबर वन ISI, नंबर वन पाकिस्तानी फ़ौज, नंबर वन एयर फोर्स, उनके लिए कितनी बड़ी बेइज्जती होगी कि वो
मतलब चीन से फौजें आ रही हैं BLA को अटैक करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस नाकाम हो चुकी हैं। तो रॉब क्लासरा ने काफ़ी डिटेल में बताया, और रॉब क्लासरा ने एक बात भी कही कि रूट कॉज को समझे तो रूट कॉज तो सिंपल सी बात है, बलूचिस्तान 11 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान आज़ाद हुए थे, हालांकि पाकिस्तान ने 14 को शिफ्ट कर लिया 2 सालों के बाद, ये मैं बता चुका हूँ कई बार। उसके बाद से जो जबरन कब्जा किया हुआ है बलूचिस्तान के इलाके पर, जो कि पाकिस्तान का लगभग 48% हिस्सा है, उस पर आपने जबरन कब्जा किया है, वहाँ के रिसोर्सेज को आपने पूरी तरह से पंजाबियों और बाकी पाकिस्तानियों के लिए यूज़ कर रहे हो, बलूच जो बेचारा वही का वही है, बलूचिस्तान में ही अफगानी आकर इतने बड़े नंबर पर बस गए कि बलूचिस्तान के लोग खुद ही अल्पसंख्यक हो गए। तो ये बलूचिस्तान के लोग, अब इनका सब्र का बांध टूट गया है। अब इतने पढ़ी लिखी वो महिला थी, उसकी पूरी फैमिली, उसके पास घर सब कुछ है, उसके बाद वो अटैक कर रही है। तो आप समझ सकते हो बलूचों का जो लड़ने का जज्बा है वो बहुत, मुझे बहुत तगड़ा लग रहा है, और ये मतलब बहुत लंबे समय तक लड़ेंगे। और चीनियों पर अटैक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ बनेगी। पाकिस्तानी को मार देंगे तो उनकी वैल्यू क्या है, कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तानी को मारेंगे, 10 को मारेंगे 100 को मारेंगे, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन चीनी को मारेंगे तो वो इंटरनेशनल न्यूज़ बनेगी, चाइना